अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी का रायता। ये किसी भी बिरयानी के साथ बहुत मज़े का लगता है। इसके लिए मैंने लिया हुआ है तकरीबन 400 ग्राम जितना दही, ये 300 ग्राम है और ये 100 ग्राम जितना है, क्योंकि मैं इसके साथ इन सारी चीज़ों को पीस लूँगी, पानी नहीं मिलाऊँगी, इसी के साथ पीस लूँगी। और इस दही को मैंने बीट करके रखा हुआ है ताकि ये जब हम मिक्स करेंगे तो इसका टेक्सचर बिल्कुल ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो जाएगा। साथ में डाल के इसको मैं बीट कर लूँगी तो सारा दही पतला हो जाएगा। 100 ग्राम जितना मैंने इसके अंदर मिलाया हुआ है, 8 से 10 पत्ते पुदीने के, और उतने ही इक्वल क्वांटिटी में आप ले, तकरीबन 2 स्टेम मैंने ली हुई थी हरी धनिया की, 1/2 टीस्पून जितना साबुत वाला रोस्टेड जीरा, और जितना तीखा चाहिए उतनी हरी मिर्चें, मैंने एक स्पाइसी वाली ली थी, एक बुलेट चिली ली हुई थी। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी। नमक जब मैं इसके अंदर मिलाऊंगी, जब डालूंगी, और इसमें थोड़ा सा मिला दूंगी ताकि मिक्स हो जाए। रायते में वैसे भी ज़्यादा नमक नहीं होता। मिर्चें, पुदीना, ज़ीरा और हरी धनिया, ये डाल के हम इसको पीस लेंगे। मैंने 1/2 टीस्पून जितना रोस्टेड ज़ीरा इसके अंदर डाला हुआ है ताकि जब हम इसको सर्व करें तो ये बहुत मज़े का लगता है। जब हम इसको खाते हैं तो हल्का हल्का ये मुंह में आ रहा होता है। तो ये हमारा मिक्सचर पीस चुका है, मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। हमारा रायता रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल गाढ़ा है, इस तरह का होना चाहिए ये रायता। ये रेडी है हमारा बिरयानी के साथ सर्व करने वाला रायता। इसको किसी भी बिरयानी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का लगेगा। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।